गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आसियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, या अपने आप में कहते हैं। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है, ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है, ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपने माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा।